गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करने वाले हैं अपने डिलीट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी के बारे में। इसके पिछले वीडियोस में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप हमने काफ़ी सेक्शंस कंप्लीट किए हैं लाइक लिस्ट एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय एंड अपडेट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी। इस वीडियो सेशन में गाइस हम जो बात करने वाले हैं वो होगी हमारी डिलीट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी। इट मीन्स कि अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करना हो अपने लिस्ट एम्प्लॉयज लेआउट के थ्रू, सो हम डिलीट बटन पे क्लिक करके कैसे डिलीट कर सकते हैं। अभी जो फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो एग्जीक्यूट हो रही है वो ये कि अगर हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया, हमारे पास एक लेआउट ओपन हुआ विथ डायनेमिक वैल्यू इम्प आई डी इक्वल्स टू 2, बट अगर हमने यस या नो बटन पे क्लिक किया कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी। सो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में हैंडल करने वाले हैं कि अगर हमारे यूआरएल में अगर एम्प्लॉय आई डी टू की रिक्वेस्ट आई है, इट मीन्स वी वॉन्ट टू डिलीट द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन 2, सो उस केस में इस एम्प्लॉय आई डी 2 को हम कैप्चर करेंगे, यस बटन के क्लिक इवेंट को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद हम उस एम्प्लॉय को अपने डेटाबेस टेबल से भी डिलीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं जाऊंगा एडिटर पे। सो डिलीट एम्प्लॉय फंक्शंस के ऊपर काम करने के लिए हमें जाना होगा अपने डिलीट एम्प्लॉय लेआउट पे, जो कि ये लेआउट अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग में हमारे पास दो बटन्स अवेलेबल हैं, यस बटन नो बटन। अगर हमने यस बटन पे क्लिक किया हमें फॉर्म सबमिट करना है, अपने इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उस एम्प्लॉय को सर्च करना है, अगर वो एग्जिस्ट है तब हम उसे डिलीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये जो एम्प्लॉय आईडी जो हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, सबसे पहले हमें चेक पॉइंट लगाना है ये कि अगर यहाँ पर ये एम्प आईडी अगर ब्लैंक है उस केस में ये रीडायरेक्ट होना चाहिए हमारे error.php पे। सो हम कैसे करेंगे, हमने ये काफ़ी वीडियोस में पिछले हैंडल किया हुआ है। सो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं php टैग एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, हम रीड करने वाले हैं यूजिंग गेट ग्लोबल वेरिएबल और हम कॉपी करेंगे अपने इस क्वेरी स्ट्रिंग को, इसके अंदर पुट करेंगे इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है, या मैं कहूँ कि अगर ये एम्प्टी है एम्प्लॉय आईडी, उस केस में हम रिडायरेक्ट होंगे यूजिंग हेडर फंक्शन लोकेशन कीवर्ड और हम रिडायरेक्ट होने वाले हैं अपने error.php फाइल पे। सो यहाँ पर अगर मैं टेस्ट करूँ, अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं पहले वैल्यू पास करूँ एम्प्लॉय आईडी 4, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बट अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ एंटर प्रेस करूँ, हम देख सकते हैं हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने error.php पे। सो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हमें जो नेक्स्ट टास्क ये करना है कि अगर हमने यस बटन पे क्लिक किया, मीन्स हमने फॉर्म सबमिट किया है पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू, सो उस फॉर्म के रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, हमें उसी पेज पे एम्प्लॉय को फाउंड आउट करना है, आफ्टर फाइंड आउट हम उस एम्प्लॉय को डिलीट भी करेंगे। सो बैक टू एडिटर, हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, इफ सबसे पहले हम फॉर्म के एक्शन यूआरएल को चेंज करेंगे। हमारे पास अभी जावास्क्रिप्ट है, हम यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेप्ट php self echo server php_self, ये रिटर्न करेगी हमारे इस करेंट टेम्पलेट पाथ को और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क मीन्स क्वेरी स्ट्रिंग हम क्यों अटैच करें। अगर मैं इस एम्प्लॉय आईडी को रीड करके अगर मैं एक हिडन फील्ड क्रिएट कर लूँ इस फॉर्म टैग के अंदर, सो इनपुट टाइप हिडन, यहाँ पर होगा हमारे वैल्यू के अंदर मीन्स वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम जो पुट करने वाले हैं ये होगी हमारे एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी हमने रीड किया अपने क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू, और इसका एक नेम एट्रीब्यूट हम क्रिएट करने वाले हैं। सो नेम इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ एम्प्लॉय आईडी, और जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे अपने इस एम्प्लॉय आईडी को रीड करने वाले हैं, उस एम्प्लॉय आईडी को रीड करने के साथ हम उस एम्प्लॉय आईडी को सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में फाइंड करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट है तब हम उसे डिलीट करेंगे। मैं जाऊंगा टॉप सेक्शन पे, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं क्या फॉर्म सबमिट हुई है। सो सर्व रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मैथड इक्वल्स टू पोस्ट,
अगर फॉर्म सबमिट हुई है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, तो यहां पर सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी को गेट करने वाले हैं जो कि हिडन टाइप फील्ड में हमने क्रिएट किया है अपने इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू. सो इम्प अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू पोस्ट वेरिएबल, ये हमारी वैल्यू. उसके बाद जो हमने वैल्यू गेट किया है अपने हिडन फील्ड से, हम चेक करने वाले हैं क्या यह एम्प्लॉय आईडी हमारे डीबी टेबल में एग्जिस्ट है कि नहीं. सो हम सीक्वल क्वेरी लिखने वाले हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट इक्वल्स टू माई सीक्वल आई ऑब्जेक्ट. और एक और बात, हमें डेटाबेस के कनेक्टिविटी के साथ काम करना है, तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करना है अपने db config फाइल को, include once current directory dbconfig.php. अब हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस के सारे फंक्शंस को यूजिंग mysqli object, mysqli prepare method. हम पास करने वाले हैं अपने SQL वेरिएबल को, हम यूज करेंगे स्टेटमेंट, बाइंड पैरम मेथड को, और यहाँ पर जो वैल्यू हमें पुट करना है उसकी जो टाइप होगी वो होगी इंटीजर टाइप. इम्प अंडरस्कोर आईडी, ये हमारे इम्प अंडरस्कोर आईडी. इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. अब हमारे पास अगर वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट है हमारे टेबल में, हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न होगा, उसके कुछ नंबर ऑफ रोज काउंट होंगे. अगर मैं जाऊँ टाइम सेव करने के लिए अपने एडिट हाइफन एम्प्लॉय टेम्पलेट पे, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. जैसे कि अगर हमारा वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, हमने प्रिपेयर यूज़ किया, बाइंड किया, एग्जीक्यूट किया, अगर वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, सो हमारे पास रिजल्ट नंबरोज में एक इंटीजर वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, तो हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक में, और इस इफ ब्लॉक में जाने के बाद हम उस एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे. अदरवाइज इस एल्स ब्लॉक में हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने एरर पेज पे, क्योंकि हमारे पास कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं है. सो लोकेशन कीवर्ड, हम जाएंगे error.php. मैं इसे यहाँ सेव करूँगा. सेव करने के बाद हम जाने वाले हैं इस इफ ब्लॉक के अंदर, हमारे पास होगी नेक्स्ट क्वेरी दैट इज डिलीट क्वेरी. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, एक और खास बात, जो हमारे MySQL के क्वेरीज होते हैं लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और लिस्ट क्वेरीज, इन सभी क्वेरीज को यूज करने के वक्त हमारे जो सेंसिटिव क्वेरीज होते हैं वो होते हैं अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी. बाकी के जो क्वेरीज हैं लाइक इंसर्ट और सेलेक्ट, ये इतने सेंसिटिव नहीं होते जितने सेंसिटिव हमारे अदर क्वेरीज हैं जैसे कि अपडेट और डिलीट. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने वेयर कंडीशन सही तरीके से मेंशन नहीं किया इन केस अपडेट और डिलीट. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हमने क्वेरीज लिखी है, इस क्वेरी में कोई भी वेयर कंडीशन नहीं है. सो इसका बेसिक सा रोल क्या होगा, ये आपके एम्प्लॉयज टेबल के सभी रोज को डिलीट कर देगी. बट अगर हमने वेयर कंडीशन को सही तरीके से यूज़ किया, एग्जीक्यूट किया, वो उसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डिलीट करेगी. अगर मैं बात करूं अपडेट क्वेरी के बारे में, अगर आपने सही तरीके से वेयर कंडीशन यूज नहीं किया तो आपके सभी रोज को वो अपडेट कर देगी. सो मेक श्योर, अगर आप अपडेट और डिलीट क्वेरीज के साथ अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, आप मेक श्योर कर लें कि आपके जो कंडीशंस हो वो बिल्कुल सही हो, अदरवाइज आपके डेटाबेस में काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है. सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर ID equals to question mark, it means placeholder. So if stmt, it means statement, equals to mysqli object, हम यूज करने वाले हैं prepare method. हम यहाँ पास करेंगे delete query. हम यूज करने वाले stmt2 क्योंकि statement 2 है. उसके बाद हम यूज करेंगे bind param, और जो हम ID पास करने वाले हैं वो एक integer value है imp underscore ID. और हम यूज करने वाले हैं इफ stmt2 एग्जीक्यूट मेथड, और ये है हमारा सक्सेस ब्लॉक. इट मीन्स सक्सेसफुल तरीके से हमने एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया है.
अदरवाइज हमारे पास एल्स ब्लॉक होगा। अगर कोई भी एरर आ जाए ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय को सक्सेसफुल तरीके से अगर हमने डिलीट कर दिया है, आफ्टर डिलीट हम रीडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने लिस्ट एम्प्लॉयज पेज पे। सो उसके लिए मैं इस यहाँ से इस फाइल नेम को कॉपी करूँगा और सक्सेस ब्लॉक के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं हेडर फंक्शन, लोकेशन कीवर्ड, कोलोन और फाइल नेम। अदरवाइज हमारे पास अगर कोई भी एरर होती है हम जाएंगे अपने एरर डॉट पी एच पी फाइल पे। सो ये है गाइस ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन। सो चलिए चेक करते हैं। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, हमें यहाँ पर लिस्ट एम्प्लॉयज पेज पे अगर मैं क्लिक करूँ डिलीट बटन, अगर हमने एम्प्लॉय डिलीट नहीं करना है क्लिक ऑन नो, हम आ गए अपने लिस्ट एम्प्लॉयज पेज पे। थर्ड नंबर एम्प्लॉय हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन यस बटन। ओके वी हैव एरर डॉट पी एच पी, हमारे पास कोई एरर है और मेरे ख्याल से जो इस एरर का रीज़न हो सकता है वो ये कि अगर मैं जाऊँ यहाँ इस यस बटन के क्लिक पे जो हमने फॉर्म सबमिट किया है और उस फॉर्म के रिक्वेस्ट को हमने इसी पेज पे कैप्चर किया है, सो इस पेज को कॉल करने का जो सही तरीका है वो है फाइल नेम इम्प अंडरस्कोर आईडी। बट यहाँ पर एक्शन यूआरएल में हम देख सकते हैं हमने जो पास किया है वो है डिलीट हाइफन एम्प्लॉय डॉट पी एच पी। सो जैसे ही अगर हम इसी यूआरएल को अगर कॉल करें विदाउट दिस क्वेरी स्ट्रिंग एंटर, हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं एरर डॉट पी एच पी पे। सो सही तरीका है उसी पेज को क्लिक करके कॉल करने के लिए वो ये कि हमें अपने एक्शन पैरामीटर में हमें कनकैटिनेट करना पड़ेगा अपने इस क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल को इम्प अंडरस्कोर आईडी, और हम यहाँ पास करने वाले हैं इको एम्प्लॉय आईडी। सो मैं इसे कॉपी करूँगा और हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। अब अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे रिलोड करूं, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं अपने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट को, हम देख पाएंगे डिलीट हाइफन एम्प्लॉय डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क एम्प अंडरस्कोर आई डी। सो सक्सेसफुल तरीके से अगर मैं इसी फॉर्म को सबमिट करूं इसी पेज पे कैप्चर करने के लिए यह फॉर्म सबमिट होगी, एम्प्लॉय आई डी 2 के बेसिस पे यह इस एम्प्लॉय को सर्च करेगी और उसे डिलीट भी करेगी। सो अगर मैं क्लिक करूँ नो बटन, हमने डिलीट नहीं किया है, बट इन केस अगर मैं क्लिक करूं यस बटन, हमारे पास अभी भी एरर है, कुछ और एरर है हमें चेक करना होगा। हम यहां पर डीबग करने वाले हैं कि आखिरकार एरर कहां पर है। सो जो रीडायरेक्शन हमारे एरर डॉट पी एच पी पे हो रही है वो बेसिकली यहां से एक हो रही है, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सो अगर मैं इस ब्लॉक को रहने दूं क्योंकि हमारी एम्प्लॉय आई डी ब्लैंक नहीं है, अगर मैं बात करूं इस सेकंड की, हम चेक करेंगे अपने रिजल्ट में क्या ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को सक्सेसफुल तरीके से फाइंड आउट कर पा रही है या नहीं। मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं लिस्ट एम्प्लॉयज डिलीट, अगर मैं यस पे क्लिक करूं हम देख सकते हैं नम रोज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ये जो इफ ब्लॉक है वो सक्सेसफुल तरीके से ये भी एक्सिक्यूट हो रहा है। सो हमारा जो मिस्टेक है वो हमने जो मिस्टेक किया है वो शायद इसी क्वेरी के अंदर है, डिलीट क्वेरी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आई डी इक्वल्स टू प्लेस होल्डर, यहाँ पर सभी कुछ सही है। ओके, जो हमने मिस्टेक किया है वो ये कि इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करने के लिए जो टाइप हमें मेंशन करना है वो है इंटीजर, और इंटीजर के प्लेस पे जो हमने मेंशन किया है वो है आईडी। सो दिस इज आवर सिली मिस्टेक। मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं। सो क्या हम एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहते हैं? मैं क्लिक करूंगा नो, इट इज ओके। क्या हम डिलीट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय आईडी 4 को? यस। और सक्सेसफुल तरीके से हम देख सकते हैं उस एम्प्लॉय को हमने डिलीट कर दिया है। सो क्विकली हम एक एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं। ये है हमारा डमी फोन नंबर, वेब डेवलपर, क्लिक ऑन सबमिट। एक नया एम्प्लॉय यहां पर एंट्री हो चुका है, क्लिक ऑन अपडेट, क्लिक ऑन सबमिट। हमने उस एम्प्लॉय को अपडेट कर लिया है, लिस्ट एम्प्लॉयज हमने अपडेट कर लिया है, और अगर इस एम्प्लॉय को हम डिलीट करना चाहें क्लिक ऑन डिलीट,
मेक श्योर हम डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन यस, और सक्सेसफुल तरीके से हमने उस एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया है। आफ्टर डिलीट हमें एक और चीज़ की हमें माइंड में रखनी है, वो ये कि जितने भी कनेक्शंस हमने यूज़ किए हैं अपने MySQL के क्वेरीज को यूज़ करने के लिए, हमें उन्हें क्लोज भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ MySQL के मीन्स MySQLi के ऑब्जेक्ट को और उनके मैथड्स को ओपन करके यूज़ किया है, सो मेक श्योर आप यूज़ करने के बाद उनको क्लोज भी कर दें। सो MySQLi एंड क्लोज मैथड, इसी तरीके से आप हर स्टेटमेंट के क्लोज मैथड को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट और क्लोज मैथड। सो जितने भी टैम्पलेट्स में हमने काम किया है, अगर हमने कहीं भी कनेक्शन को क्लोज नहीं किया है, आप कर दें अननेसेसरी। अगर एप्लीकेशन में अगर कनेक्शंस की नीड अगर ख़त्म हो गई हो, उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देना चाहिए। सो ये थी वीडियो गाइज हमारे डिलीट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी के बारे में। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने अपने एट एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय एंड डिलीट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और डिस्कशन करने वाले हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।